आप नीचे आ गया हो, नीचे हमारी ये देख सकते हैं, अभी मैंने दिखा रहा था अरे मैम हमारे कम्बल निकालनी है जो ट्रा हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं दिल्ली की रौनक भी देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। चलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जिसन अली। और आप इंट्रो देख के आज थोड़ा हैरत होंगे कि जिसन भाई इंट्रो कहाँ दे रहे हैं। तो जो मैं इंट्रो दे रहा हूँ अपने घर के अंदर ही दे रहा हूँ, और आज मैं जो है मार्केट की तरफ नहीं गया, वो इसलिए नहीं गया, मैंने सोचा क्यों ना शादी के बाद एक घर का व्लॉग आपको दे दिया जाए कि घर में कैसी स्थिति चल रही है शादी के बाद, और कैसे मैंने रूम बनाया था, किस तरीके से पीवीसी लगाई थी, किस तरीके से मैंने लाइट लगाई थी, और जो नया रूम है वो उसके अंदर कैसा सामान जो लगाया है मैंने, जो हमारा दहेज का आया था, और टीवी कैसे लगाया, कैसे सोफे लगाए, कैसे बेड लगाए, और कैसी शाम की स्थिति मेरी चल रही है जो एक नॉर्मल दिन में चलती थी, और शादी के बाद जो चल रही है फिलहाल, जो अभी जो चल रही है ठंड में, तो ऐसा ठंडा है कि पानी में हाथ लगाने में भी डर लगती है, क्योंकि पानी जो है बहुत ठंडा रहता है, इस टाइम जमने वाला पानी रह जाता है। तो हमने गीज़र भी लगा रखा है, तो गीज़र में तो खैर ऑलरेडी गर्म पानी आता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम ठंडे का भी यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ अपना घर, थोड़ा सा रूम, और बाहर क्या गतिविधि चल रही है, और जो हमारी मैम है उनसे थोड़ा सा मैं आवाज़ सुनाता हूँ। अभी तो चेहरा मैंने रिवील नहीं करा है, ना मैं कपल व्लॉग लाया हूँ, तो आने वाले दिनों में अब यही आज से ही मैंने शुरुआत कर दी है, और उम्मीद करूँगा कि ये व्लॉग आपको कुछ हटके कुछ पसंद आएंगे, और पसंद आएंगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और कुछ मज़ेदार करते हैं आज के व्लॉग में। तो कुछ इस तरीके से रूम है जो हमने अभी नया बनाया था, तो इस तरीके से रूम है, सामने टीवी देख सकते हैं, ये सोफे, ये टेबल, और ये बड़ा सोफा, और एलेक्सा मैंने मंगाया था, तो एलेक्सा भी हमारा आ गया है, काफ़ी अच्छा है हमारा ये एलेक्सा चल रहा है इस टाइम, और काफ़ी अच्छी आवाज़ भी है इसमें, और कुछ भी इसमें सुनना चाहें तो आप वॉइस दे सकते हैं, तो एलेक्सा खुद ही बोल जाएगी। अभी मैं अगर बुलवाता लेकिन सॉन्ग बजाऊंगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी बुलवा नहीं रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये एलेक्सा काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब एलेक्सा में नए नए गाने सुनने को मिलते हैं, जो हमें कोई मन में हम गुनगुनाते हैं गाना तो एलेक्सा से हम कह देते हैं, तो एलेक्सा तुरंत गाने को बजा देती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये सामान आया था दहेज का, और लैपी भी है, लैपी से अब मैं सोच रहा हूँ कि एडिटिंग करना मैं सीख जाऊँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी तो खैर लैपी से नहीं करता हूँ मैं एडिटिंग, लेकिन सोच रहा हूँ कि मैं अब लैपी से भी एडिटिंग करूँ। और यह बेड कुछ इस तरीके से बेड है, और एक चीज़ यह है कि आप देख सकते हैं सामने जिशान अली नैनीताल यूट्यूब व्लॉगर, इसको मैं थोड़ा सा लाइट चला के दिखाता हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं आप पिंक कलर की लाइट जल रही है, और इसमें जिशान अली नैनीताल यूट्यूब व्लॉगर लिखा है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, तो कुछ इस तरीके से है ये, तो कुछ इस तरीके से रूम दिखता है ये। और पीवीसी लगाई थी, तो पीवीसी लगाने के बाद जो उसमें लाइटें लगाई थी तो कुछ इस तरीके से लगी हुई हैं ये, तो ऊपर हमारी जो छत है, छत के ऊपर से नीचे पीवीसी लगी हुई है, तो तकरीबन इसको बनाने में एक महीना लग गया था, तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है। तो चाहिए से चलते हैं बाहर की तरफ, और जब मैं रूम से बाहर आता हूँ तो रूम से बाहर आने के बाद ऐसा नज़ारा होता है नैनीताल का व्यू, और काफ़ी मतलब अल्टीमेट व्यू यहाँ से है मेरे घर से, और सामने आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से लग रहा है व्यू। और जो मैं आपको बता दूं कि 26, 27 और 25 को शायद स्नोफॉल हो सकती है नैनीताल में, क्योंकि येलो और ऑरेंज अलर्ट बताया गया है, तो उस हिसाब से शायद देखिए अब स्नोफॉल होती है या बारिश होती है, अभी कुछ नहीं कह नहीं सकते, अभी तो खैर मौसम क्लियर हमारा साफ है, जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर नीला आसमान आपको नीला नीला दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से व्यू इस टाइम मैं घर के बिल्कुल अपने बरांडे में ही खड़ा हूँ, लेकिन व्यू एक नंबर व्यू है, आप देख सकते हैं ये, तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। और जब दिवाली होती है, कोई फेस्टिवल होता है फिर डीएसए फील्ड में, तो यहाँ से देखने को मिलता है, तो और यहाँ नंदा देवी का मेला होता है, तो सारी लाइटों से जगमग होता है पूरा नीचे, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब लाइटों से पूरा जगमग होता है, तो यहाँ से हम आसानी से हम मेले की रौनक भी देख सकते हैं, और डीएसए में कुछ भी गतिविधि चल रही वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो देख इसलिए ऐसे सकते हैं कि दूरबीन होनी चाहिए, तो दूरबीन से बिल्कुल पास दिखेगा, तो आने वाले टाइम में मैं दूरबीन भी ले आऊँगा, तो यहाँ से हम इजिली माल रोड भी देख सकते हैं, डीएसए फील्ड देख सकते हैं, फुटपाथ की कुछ दुकानें देख सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल कुछ इस तरीके से व्यू है नाइट का, और टेम्परेचर जो हमारे एक के आसपास है का, और काफ़ी वेदर में ठंडा है, सुबह शाम काफ़ी ठंडा है नैनीताल में, दिन में धूप होती है तो हल्की फुल्की गर्मी का एहसास होता है, लेकिन कपकपाने वाला ठंडा है नैनीताल में, लेकिन इससे ज़्यादा ठंडा जो है प्लेन्स में, क्योंकि वहाँ लग रहा है कोहरा, तो वहाँ ज़्यादा ठंडा है।
तो देखिए अभी जो ब्लॉग बना रहा था और ब्लॉग बनाते बनाते कपड़े पानी आ गया था, तो मैंने सोचा कि ना कपड़े भी धो लिए जाएँ। तो इसमें हो रहा है ड्रायर कम्बल, और ये ऊपर उठाएंगे तो ब्रेक लग जाएंगे, और वैसे चलाएंगे तो ये चलने लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके से कपड़े भी धुलाई हो रहे हैं, और इसमें जो हमारा गर्म पानी भी आता है, तो ये मिक्सर है तो मिक्सर में तो गर्म पानी आता है, तो अपना यहीं पे है। तो कुछ इस यहाँ पे कम्बल धुलाई हो रही है, और जो हमारा ये निरमा कसोई थी इसकी, तो इसका पानी हमने निकाल दिया है, कपड़े हमारे धुल चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से ड्रायर हो रहा है अभी, और तकरीबन इस टाइम बज गए 7। तो हमारे वहाँ तो पानी हमारे वहाँ सुबह शाम ही आता है, फिलहाल हमने टंकी भी लगा रखी है। तो अभी हम इसको पूरा धो धा के इसको फिर से पोछ पाछ के हमने रख देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से कपड़े धोएंगे, क्योंकि 24 से जो है हमारी बरसात है और बर्फबारी है। तो उसके पहले ही हमने सोचा कि ना जो इतने शादी के हमारे कपड़े थे सारे धो धा के हम ना रख देते हैं अलमारी में, क्योंकि इसका धूप तो बिना आई नहीं, तो कपड़े जो हैं सूखने में काफ़ी दिनों बाद सूखते हैं, तो इसलिए अभी हमने धो दिए हैं। और ये देख सकते हैं पानी अब जिसकी धुलाई हो रही है, और ये देख सकते हैं मैम धो रही हैं कपड़े। ये कह रही है मैं अभी हाथ ही दिखाऊंगी, चेहरा बाद में रिवील करूंगी। वैसे जो लोग नज़दीक के हैं उन्होंने तो चेहरा देख ही लिया है, तो अब से कपल व्लॉग भी लाने की सोच रहा हूँ मैं, तो इनके हाथ देख सकते हैं अभी तो। और पानी जाने वाला है बस, अब थोड़ा हल्का पानी हो गया है, तो इस तरीके से हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं। ये देख सकते हैं पूरे आज जो है मैंने अपने आपको जो अपना घर भी दिखा दिया, उसी के संग शाम को क्या गतिविधि चल रही है मेरे वहाँ, तो वो भी दिखा दिया कि गतिविधि ये चल रही है कि हमने सारे कंबल जो है जो हमारे नीचे मैरिज हॉल में गए थे वहाँ से आके ये सारे धुल चुके हैं ये। तो फिलहाल और इधर से मैं थोड़ा सा व्यू एक बार और दिखा दूँगा आपको, कि मेरे घर से व्यू बड़ा प्यारा दिखता है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से व्यू बड़ा अल्टीमेट दिखता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है ये जैसे देख रहे हैं आप। और यहीं पर ये रूम है, और इसी के पास आगे अगर हम खिड़की से भी देखेंगे ना, तो खिड़की अंदर से भी हमें बड़ा प्यारा व्यू दिखता है, और बाहर को आएंगे तो बाहर से भी ऐसा व्यू दिखता है, आप देख सकते हैं ये। तो कुछ इस लोग ऐसी जगह में नैनीताल में रूम लेने के लिए तरसते हैं, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी ही रूम है, और नैनीताल में इस जगह पर रूम होना बड़ी बात है, जिस जहाँ से पूरा व्यू नज़र आए। आप देख सकते हैं पूरा व्यू नज़र आ रहा है, और सुबह भी काफ़ी अच्छा लगता है, और रात में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और जब स्नोफॉल होगी तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ से पूरे स्नोफॉल जब पूरी जम जाएगी तो कैसा लगेगा पूरा नैनीताल शहर, उसका भी आप माइंड में एक इमेजन कर सकते हैं कि कैसे किस तरीके से लगेगा पूरा वाइट वाइट, तो बड़ा प्यारा लगता है। अब स्नोफॉल होगी तो 2-3 दिन में तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ से दिख रहा है नीचे को। फिलहाल कुछ इस तरीके से हमारे कपड़े धुलाई चल रही है मैम के द्वारा, तो मैम हमारे कम्बल निकाल लिए हैं जो ड्रायर हो गया जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। और ये देख सकते हैं नैनीताल में ठंडे में कपड़े धोने में कैसा अनुभव हो रहा है, आप अपनी आवाज़ से बता सकती हैं, बताइए। इनको कह रही है जुकाम लग गया है कपड़े धोने में, ये भी देखिए एक अलग ही बात है कि इनको कपड़े धोने में जुकाम लग गया है, और हमारे पूरे कपड़े धुल चुके हैं। अब इसकी करते हैं सफाई और फिर मिलते हैं चाय में। ये देख सकते हैं अभी मैंने दिखा रहा था आपको कि कपड़े किस तरह से धो रहे थे, अब मैं आ गया हूँ किचन में। तो किचन में हमारी मम्मी बना रही है झोली, और इस तरह चाय के लिए पकौड़ी बना रही है, और इनका रेसिपी भी चैनल है, मैंने आप लोगों को बताया था नैनी मोविन किचन है, तो ये काफ़ी शानदार रेसिपी बनाती हैं, और ऐसी रेसिपी बनाती है यूनिक रेसिपी जो खाने में तो लाजवाब होती है और टेस्टी में नंबर वन होती है। कभी आप इनकी रेसिपी बनाएंगे तो उसे बना के देखना, फिर आप मुझे बताना। और इनका चैनल का नाम जो है नैनी मोविन किचन डिस्प्ले में शो रहा है, तो उसमें जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और फटाफट से इनके जो रेसिपी हैं एक से एक रेसिपी, जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो नॉनवेज की रेसिपी भी देख सकते हैं, जो वेज खाने वाले हैं वो वेज की देख सकते हैं, जो स्वीट्स खाने वाले हैं वो स्वीट्स की भी देख सकते हैं। और फिलहाल जो शादी से पहले हमने किचन जो तैयार किया था वो कुछ इस तरीके से किया था, आप देख सकते हैं ये। और आज मैं पूरा घर का दिखा रहा हूँ आपको, तो ये हमारा किचन है जिसमें टाइल्स हमने लगवाई थी, फिलहाल इसको लग गया था एक महीना। अभी फ़िलहाल कुछ इस तरीके से हमारा किचन है, और ये तो इधर बनने जानी है पकौड़ी जो चाय के संग खाएंगे अभी, तो कुछ आज बननी है झोली। तो ये है हमारा किचन, अब नीचे आ गया हूँ। नीचे हमारी जो मशीन है वो ऑटोमेटिक वाली है, आप देख सकते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक है इसका, ये हमारा ये, तो इसमें भी कपड़े धुल लेते, तो इसको मैं बटन को कर देता हूँ बंद, और इसमें भी हमारे कपड़े पूरे धुल चुके हैं, और ऊपर तो हमारी नॉर्मल वाली है, लेकिन नीचे जो हमारे तो ये है फुल्ली ऑटोमेटिक, तो इसमें भी कपड़े हमारे धुल गए हैं। तो पन्नी को भी हम लगा देते हैं,